वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी फतेह। दास परमजीत सिंह अकाली मेरे नाल वीर पवनप्रीत सिंह जी बैठे ने। जो प्रोटेस्ट रखा किसी रखा? देखो जी स्पष्ट जी गल आ कि आप जी जानते हो लंबे समय तो किसान संघर्ष चल रहा काले कानूनों के विरुद्ध। उस संघर्ष के समय समय अनुसार जिहड़ियां सरकारां ने समय दियां सरकारां ने उन्होंने वालों संघर्ष को दबाने के लिए एक प्रैशर पाने के वास्ते जिहड़े कारकुन साढ़े जां सिख नौजवान जां सिख चेहरे जां साडियां भैणां हकां की आवाज़ कर चकते हैं अपने हक मंगते हैं उन्होंने उत्ते कानूनों की दुरवरतों करदे होया नजायज़ परचे करके वख वख तरावां के तहत उन्होंने जेलों 'च डकिया जा रहा ते वड्डी गिणती दे विच सैकड़े की गिणती विच उन्होंने उत्ते परचे किए हुए हैं जेलों 'च सुट्टे हुए हैं घरां तों चक चक के लिजाया जा रहा उन्होंने। सो उहदे विरोध दे विच ते सरकारां दे कन्नां दे विच आवाज़ पहुँचाउण दे वास्ते अज असीं इत्थे वख वख सिख कारकुन जिहड़े ने जिहड़े कि लंबे समय तों एक्टिव ने पंजाबी दे वास्ते पंजाबियों दे वास्ते सिख कौम दे वास्ते अपने सिद्धांतां अनुसार डटे हुए ने उन्हां दे वल्लों ये आवाज़ चक्की जा रही है। सो आस करते हैं कि सरकारां दे कन्नां तक ये आवाज़ जाऊगी ते जिहड़ा धक्का सरकार कर रही है वह नहीं करेगी। जो किसान 26 जनवरी में लापता हुए उन्होंने बारे किसान जथेबंदी की कर रहे हैं? उन्होंने हुण तक जी उन्होंने बयान ने राजोवाल साहब का जो बयान आ संयुक्त किसान मोर्चे का कि वह कह रहे हैं कि असी एक पैनल बनाया हुआ वकीलों का जिहड़ा कि इस चीज़ की सारी की लीड कर रहा वा ते उन्हां दी जमानतां जिहड़ियां बार बार समय समय अनुसार जिवें जिवें धरावां लगियां होईयां ने करवा रहा। पवनप्रीत सिंह सर जो अज्ज प्रोटेस्ट रखिया की प्रोटेस्ट है? इस मुजहरे का कारण आ कि किसान संघर्ष उत्ते सरकारी जबर जारी आ वख वख किसान संघर्ष नाल सहमत जिहड़े लोग ने उहदे शामिल आ उन्हां ते झूठे मुकदमे किए जा रहे आ उन्हां ते तशद्दुद हो रहा। इस सरकार दी जिहड़ी हरकत आ ये खिलाफ़ असं अपनी आवाज़ को कौमांतरी पद्धर से पहुँचाने के लिए ये मुजहरा कर रहे हैं। सर 26 जनवरी जो किसान लापता हुए उन्होंने बारे सरकार की कर रही है? सरकार ने की करना? सरकार ने तो चुके आ 143 मुकदमे उन्होंने किए आ लापता साढ़े वालों लापता आ गए उन्होंने अपनी गिरफ्त लाए हुए आ कोई केसे जेल चाह कोई कितने वक् वक् थाणियों के दिल्ली पुलिस ने मुकदमे किए आ। सो ये बड़ा कह लो कि एक जालम वर्तारा जिहड़ा वा भारत सरकार जिहड़ी वरत रही आ। तो हुण जिहड़ी दूसरी गल आ कि जिहड़ा इस चीज़ लई रिस्पोंस आना सी रिएक्शन आना सी वह किसान यूनियनस वल्लों नहीं आया जिहड़े राजेवाल का धड़ा वा ना जिहदे विच जोगिंदर यादव जां होर बंदे ने वह तो इन गिरफ्तारियों विचों सलाउण तुर पए। दीप सिद्धू के खिलाफ़ बोले लखे सिधाणे के उल्ट बोले जे वह इस चीज़ के खिलाफ़ कुछ भी लफ्ज़ बोलते तो इन्ना जबर ना हुंदा। 143 बंदे जिहड़े आ हुण तक वख-वख जेलां दे विच बंद ने कुछ कुछ दीआं जमानतां चाहे होण लग पईआं पर बड़े बड़े सीरीयस केस पए आ जिहदे विच UAP दीआं धरावां ने 307 दे मुकदमे आ 308 दे सारे मुकदमे जिहड़े आ अयोग तरीके नाल रजिस्टर किए गए आ नजायज़ मुकदमे आ। सर तुसीं कह रहे हो 120 लोकां ते बेकसूरां दे जिहड़ा परचे होए आ हाँ जी उदों दीप सिद्धू नूं वी बेकसूर मंनदे हो? बिल्कुल दीप सिद्धू नूं गुनाह गादा कीता लाल किले दे उत्ते कोई झंडा जे झुल गया अकालसी झंडा वह दीप ने तो नहीं झुलाया नौजवानी ने झुलाया ये कोई गुनाह थोड़ा। हुण खालसा झंडा सारे पासे सारी दुनिया च कितें भी झुल सकदा ये कित्थे लिखते आ कि लाल किले उत्ते साडा झंडा नहीं झुल सकदा ये वह भी थां वह जिहदे च साडे इतिहास के विचाले 238 साल पहला झंडा झुलदा रहा होवे ये झंडा जित दे रूप च बेशक नहीं आ पर संकेतक रूप दे विच एक सिंबल वजों ये जिहड़ी गल सामने आई है कोई गुनाह नहीं कीता। दूजी गल दीप सिद्धू जिहड़े मुकदमे पाए आ 307 दा मुकदमा इरादा कतल का मैं इरादा कतल का केस खुद जिहड़ा फेस किया मैनू पता कि इरादा कतल तो हुंदा कि जे तुसीं किसे नूं जान लैण दी कोशिश करो धारा 307 धारा 308 उत्ते लगी आ कि खुंडे हथियार दे नाल कोई जानलेवा हमला करे जिवें कोई डांग सुट्टा कोई बेसबाल का डंडा उहदे नाल उह भी नजायज़ मुकदमा। तीजा लाल किले जिहड़ा इहनूं एक पुराणी इमारत वजों पुरातत्व विभाग सामभ के रखदा जां जिद्दां वी ते जां ते उहनूं कोई भन्न तोड़ दी कोशिश कीती होवे एक इट भी खाड़ी होवे ना दीप सिद्धू ने ते तां मुकदमा मन्नीए। इहदे अलावा होर वी तरावां बड़ियां संगीन लाईआं होईआं मुकदमा उत्ते बणदा नहीं क्योंकि वह एक सिख सियासी कारकुन आ अदाकारी वाले पासे तो वह फिल्म के ना नकल करता सी अदाकार ना आप कहूँ अज स्टार कहें सैलीब्रिटी कहें बड़ा कुछ कहें पंजाबी जदों तक आप कह लिए फिल्मा नहीं सुना आईया तो उन्होंने केंद्र असी नकलीए जे तो नकल करे किसी एक्टर की ज खुद नकल के तरीके परदे आए उन्होंने बर्दाश्त किया जाता तो जे वो असली एक्टर बन जाए झंडा झुलन की समर्थन कर दे भी ठीक आ झूलते निशान रहे पंथ महाराज के झुलते ही रहने तो ला उ लाल किले जो झुल गया तो दीप ने कोई गुनाह नहीं किया दीप के उत्तों परचा रद्द करना चाहिए लखे सदाने तो चाहिए होर बंदे छड़ने चाहिए। पर किसान जिते बंदे दीप सिद्धू गद्दार कह रही हैं वो कह रहे हैं कि BJP का बंदे उन्होंने मूँह के ना गद्दार का लफ्ज़ जो पाया हो जिन्हों मर्जी सर्टिफिकेट तो नहीं जा रहा 2 महीने हो गए बंदा अपना काम छड़ के
अपनी लग्जरी लाइफ छड़ के उत्थे उतरिया होया। हुण अगली गल उहनूं कहिंदे जी बीजेपी का बंदा। दीप सिद्धू दे पिछोकड़ दे विच इह गल बड़ी महान पई आ कि जथेदार गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का मुखी सी, शहीद होए 1992 दे विच 29 जुलाई 1992 नूं पुलिस ने उहनां नूं फड़ के शहीद किया ना। हुण उहदी गोद दे विच दीप सिद्धू खेडदा रहा, फिर खालिस्तानी कहोगे लिबरेशन का कहोगे? हुण एवें आर एस एस का कही जाणा, बेशक उहने सनी देओल का समर्थन किया, उसने उस गल नूं महसूस किया, पर जे हुण पंजाब का पुत जे इहो जी गलती कर भी लैंदा वा कि उह सनी देओल का समर्थन करता, इत्थे कईआं ने किया, हुण सारे नूं गदार कही जाओगे? हुण जे उस गल नूं भुल नूं सोध कर ली दीप सिद्धू ने, उहने कहा भी हाँ वह मैं बीजेपी लई वोटां नहीं मंगियां, सनी देओल नाल उहदी परिवारक सां सी, मैं उहनूं कोई जस्टिफाई नहीं करता, नहीं करना चाहिए, पर इस गल ते बिना किसी सबूत तों कोई मान लो होर किसी नूं जां मैनूं ही कह दे आर एस एस का बंदा, तो मैं कहूँगा लिया को सबूत विखा, कोई सबूत है गया भी किसी आर एस एस की गल कहनी? वो तो वार वार उन्हां दी चलन जिहड़ी हिडन पॉलिसी आ उहनूं नंगियां कर रहा, लगातार काम कर रहा, दीप सिद्धू इन्हां को बर्दाश्त नहीं हो रहा, इस करके उत्ते दूषण ला रहा। जे वो वाकई आर एस एस का बंदा साबित कर, इन्हां नूं कौन रोकदा? तुसीं सबूत लिया के सामने रखो, असीं मन्नांगे, पर जिन्ना चिर कोई गल नहीं, कोई तथ्य नहीं, एवें हवा च गल्लां करी जाणियां उह सोभदियां नहीं। जे सरकार परचे रद्द नहीं करदी अगे प्रोटेस्ट जारी रहेगा? वेखो साडा वा दबा सरकार ते कि परचे रद्द करे, सरकार दा सानू पता भी ईडी छेती मन्नण वाली नहीं गी। ये संघर्ष साडा जिहड़ा ना, जदों असीं गल कहिंदे कि साडी होंद दी लड़ाई है ना, तो जिन्ना चिर साडी होंद असीं संघर्ष करांगे जी। धन्यवाद, मेहरबानी।